हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 16, हैंडी एंडी एट द पोस्ट ऑफिस, इसके कम्प्रहेंशन पार्ट सी को। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, 2 और वेट पावर देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। कंप्रहेंशन सी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एंडीज एक्सक्यूज फॉर नॉट आस्किंग द स्क्वायर वेयर टू गो। एंडी का क्या बहाना था स्क्वायर से कहाँ जाने के लिए, जो पूछना था उसके लिए उसने क्या बहाना बनाया। तो इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है, ही टोल्ड हिज मास्टर दैट ही वुड फाइंड आउट वेयर टू गो। उसने अपने मालिक से कहा कि वो ढूंढ लेगा कि कहाँ जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेड एंडी थिंक द पोस्टमास्टर वाज वेरी क्यूरियस। ऐसी कौन सी बात हुई जब एंडी ने सोचा कि जो पोस्टमास्टर था वो बड़ा ही विचित्र था। उसका आंसर होगा, व्हेन द पोस्टमास्टर आस्क अबाउट हिज मास्टर्स नेम। जब पोस्टमास्टर ने एंडी से उसके मालिक के बारे में, उसके नाम के बारे में पूछा, एंडी थॉट, एंडी सोचा दैट कि ही वाज वेरी क्यूरियस, कि वो बड़ा ही विचित्र था। थर्ड है आपका, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर कॉल एंडीज मास्टर अ गूस। पोस्टमास्टर ने एंडी के जो मालिक था उसको एक मूर्ख क्यों कहा। इसका आंसर है, द पोस्टमास्टर कॉल्ड हिज मास्टर अ गूस। पोस्टमास्टर ने एंडी के जो मास्टर था उसको मूर्ख कहा, बिकॉज क्योंकि ही सेंट सच अ फूल मैसेंजर, क्योंकि उसने एक मूर्ख संदेशवाहक को भेजा हुआ था। फोर्थ का, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर रिफ्यूज टू गिव एंडी एनी लेटर। पोस्टमास्टर ने एंडी को कोई भी पत्र देने से रिफ्यूज मना कर दिया, क्यों। उसका आंसर है, ही रिफ्यूज टू गिव हिम एनी लेटर। पोस्टमास्टर ने उसे एक भी पत्र देने से मना कर दिया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो हिम, क्योंकि वह उसे नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट वाज द पोस्टमास्टर डूइंग व्हेन एंडी मेड अ सेकेंड विजिट टू द पोस्ट ऑफिस। जब एंडी दोबारा से पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो पोस्टमास्टर क्या कर रहा था। उसका आंसर है, द पोस्टमास्टर वाज सेलेक्टिंग लेटर्स फॉर 2 पर्सन फ्रॉम अ लार्ज पार्सल। एक बड़े से पार्सल से 2 व्यक्तियों के लिए, वो 2 लोगों के लिए जो पोस्टमास्टर था वो पत्रों को सेलेक्ट कर रहा था, छांट रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड एंडी टेक अवे 2 लेटर्स फ्रॉम द हीप। एंडी ने उस ढेर से 2 पत्रों को टेक अवे क्यों ले लिया। तो इसका आंसर है, ही डिड सो बिकॉज ही वाज नॉट रेडी टू पे 11 पैसे जस्ट फॉर 1 लेटर। क्योंकि उसने ऐसा किया क्योंकि वह एक लेटर के लिए 11 पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मेड एंडी फील डिलाइटेड। किस बात ने एंडी को प्रसन्न कर दिया, खुशी दे दी। तो इसका आंसर है, एंडी फेल्ट डिलाइटेड बिकॉज। एंडी को खुशी महसूस हुई क्योंकि ही मैनेज टू गेट 3 लेटर्स फॉर 11 पैसे, क्योंकि उसने 11 पैसों के बदले में 3 पत्रों को ले लिया था। कंप्रहेंशन सी का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्क्वायर पजल टू सी एंडी हैप्पी। वो कौन सी बात थी जब स्क्वायर ने एंडी को हैप्पी देखा तो उन्हें, या वो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर है, When the square was Andy happy for nothing। जब स्क्वायर ने देखा कि जो एंडी था वो व्यर्थ में ही खुश था, he got puzzled, तो वो आश्चर्यचकित हो गए।
ये था हमारा कंप्रेहेंशन सी जिसको हमने कवर किया। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।